बॉडी असेसमेंट कब होता है पता है कुछ नहीं सबसे पहले हम यहाँ पहुंचे जो है उठाने से पहले हम लोग आस पड़ोस के लोगों से पूछेंगे हो सकता है उनके जान पहचान वाले हो या फिर अगर कोई जान पहचान नहीं है तो एक्सीडेंट होता है तो लोगों की भीड़ जम जाती है ना तो लोगों की भीड़ जमती तो उनसे पूछेंगे उनको क्या हुआ है ठीक है कुछ लिए तो बता दीजिए उसके बाद हम कॉल करेंगे पुलिस को पुलिस के पास कॉल करेंगे कॉल करके बुलाएंगे और मैं नया पास कुमार सिंह लगी है आप आइए तब तक इनका बाकी विस्तार करो ठीक है ये हुआ उसके बाद हम इनका चेकअप करेंगे अगर बॉडी असेसमेंट या फिजिकल असेसमेंट इसमें चोट का पता लगाना है ठीक ना सबसे पहले हम इन्हें उठा के समतल जमीन में लेकर रख देंगे हाँ गिरे हुए हैं मान लो कि बीच रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां से उठाए के साइड कीजिएगा उसके बाद इनको लटा दिए उसके बाद हम इनके चारों तरफ हाथ डाल के ना चारों तरफ चेक कर लेंगे ये चारों तरफ घूम के हम चेक किए कि इनके आस पास कोई नुकीला वस्तु है कि नहीं है मान लो जहाँ हम ले जा रहे हैं आस पास कोई नुकीला वस्तु वहाँ अगर दबाएंगे तो चुभेगा एक तो पहले से चोट है दोबारा फिर से चोटे को लग सकती है चेक कर लिए उसके बाद हम इनका सी ए बी सबसे पहले होता है सी ए बी सर्कुलेशन एयरवे और ब्रेथ सर्कुलेशन में हम लोग चेक करते हैं कैरेटिक पल्स यहाँ पे जो होता है उसका स्कैनर है उसका उसके बाद ये जो पल्स होता है ना ये बच्चा और व्यस्त दोनों का यहाँ से पता चल जाता है लेकिन जो शिशु होता है शिशु का यहाँ से पता नहीं चलता है ब्रेकियल पल्स केवनी के पास जो होता है ना एल्बो जॉइंट के पास ब्रेकियल पल्स होता है उसको यहाँ से पता लगाते हैं क्या हम कैरेटिक पल्स चेक करेंगे प्रेशर चेक किए चल रहा है ठीक है उसके बाद हम लोग एयर वे करेंगे एयरवे भी आप लोगों को बताया गया होगा इस तरीके से भी खोलते हैं ठीक है इस तरीके से भी खोलते हैं और एयरवे के लिए हेड चेनलेस जॉथ्रो हेड चेनलेस इसके लिए हम लोग ब्रेकिंग के चीज पीछे बैठ जाएंगे और ये जो केवनी है इसे हम लोग नीचे जमीन में गड़ाएंगे और ये जो हमारा आठ उंगली है ना इसीलिए बराबर रखेंगे और फिर इसे दबड़े के पास लगाएंगे ठीक ना दबड़े के पास लगा के और टी के पास दोनों जितने अंदर इसको फंसाएंगे ना उतने ही प्रेशर से इसको खोलेंगे ये इनका खुल जाएगा इसमें अगर जीव इनका पलटा हुआ है तो हम लोग ये छोटी वाली जो होती है ना उंगली इसे हम लोग सीधा कर देंगे अगर कुछ फंसा हो तो उसे हम लोग निकाल लेंगे ये हो गया उसके बाद हम लोग जो लास्ट होता है लास्ट में ब्रीथिंग होता है सर्कुलेशन हो गया एयरवे हो गया ब्रीथिंग हो गया ब्रीथिंग में अलग अलग होता है लुक लिसन इससे हम लोग सांस का पता कंफर्म कर लेते हैं देख के सुन के और महसूस कर लेते हैं देखिए अपने कान को इसके नाक के पास लेके गए पेट के थोड़े से ऊपर हाथ रखे ये सांस ले रहा है गर्म गर्म हवा छोड़ रहा है हमारे गाल को महसूस हो रहा है और सुनाई भी दे रहा है और यहाँ से हम लोग देख भी रहे हैं ये हो गया कन्फर्म अब हम लोग बॉडी असेसमेंट की कार्रवाई शुरू करेंगे बॉडी असेसमेंट की कार्रवाई सबसे पहले सर से स्टार्ट होती है सर का जो अगला हिस्सा होता है उसे फ्रंटल बोलते हैं याद रखिएगा ठीक ना वीडियो बन रहा है सब मिल जाएगा आपको फ्रंटल ये हमारे चेक करने का तरीका हुआ सबसे ऊपर इसे फ्रंटल नो डॉट्स हड्डियों को हम लोग डॉट्स से शिफ्ट करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें बोल देंगे नो डॉट्स और डॉट्स का उपयोग कहाँ करते हैं जहाँ पे हड्डी नहीं है कहाँ नहीं है पेट वाले भाग पे हड्डी नहीं है तो अभी हड्डी के भाग को चेक कर रहे हैं उसको दबाएं पूरा जोर से नो डॉट्स फिर साइड में कैम्बोरॉल नो डॉट्स फिर नीचे ऑक्सीपिटल नो डॉट्स ये नीचे हाथ लेगा ना नीचे दबाते जाएंगे फिर पेरिटल ऊपर के तरफ नो डॉट्स उसके बाद हम लोग ऊपर हाथ करके चेक करेंगे क्या चेक करेंगे अगर ब्लड निकल रहा होगा तो पता चल जाएगा ठीक ना तो जहां ही ब्लड निकल रहा होगा जहां कोई प्रॉब्लम हो उसे हम लोग नोट करते जाएंगे ठीक उसके बाद हम ये चेक कर लिए आई और बीच नो डॉट्स मुंह की हड्डियां नजल बोन नाक की हड्डियां नो डॉट्स मैक्सिलिया मूंछ की हड्डी नो डॉट्स मैंडिबल हुड्डी ठीक ना नो डॉट्स जाइगोमेटिक जाइगोमेटिक मतलब गाल की हड्डियां नो डॉट्स
TMJ टेम्पोरल मैंडिबल ज्वाइंट जो जबड़ा होता है, यहाँ का कनेक्शन हमारे यहाँ से होता है, जो हम लोग खाते हैं ना बोलते भी हैं, यहाँ हिलता है ना वो टेम्पोरल मैंडिबल ज्वाइंट, नो डॉट्स। ये हो गया हमारा क्लियर, फिर इसका हो गया, हम लोग साइड में आएंगे, कभी भी विक्टिम के हम लोग दाहिने साइड ही बैठते हैं, ठीक ना, दाहिने साइड ही बैठते हैं। फिर नेक्स्ट रीजन में हम लोग आएंगे ये जो ट्रैकिया, जो ये सीधा जो होता है ना, दो नली होती है ना, श्वास नली और भोजन की नली, इसे हम लोग दबा के चेक किए, ट्रैकिया इन मिड लाइन यानी अपने रास्ते में होता है, ठीक है। अगले हिस्से से पीछे इसमें को बोलते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, ये पूरा दबाएंगे, नो डॉट्स। फिर बोलते हैं क्लेविकल कॉलर बोन, ये जो हड्डी होती है ना, ये हड्डी सबकी निकली होती है, आप लोग चेक करो अपना, ठीक है ना, ये दबा के चेक किए, नो डॉट्स। फिर उसके बाद आते हैं स्टर्नम, स्टर्नम जो रिब्स के ठीक बीचों बीच जो लकीर होती है, रिब्स के जो ठीक बीचों बीच हड्डी होती है ना, स्टर्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम पे ऐसे उंगली करके चेक करेंगे, नो डॉट्स, रिब्स, नो डॉट्स। फिर स्टर्नम के ठीक नीचे ही जो क्षेत्र होता है उसे डाइवर्ट फोर्सेस करते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्ट फोर्सेस, डाइवर्ट फोर्सेस इनटेक, क्या बोलेंगे, डाइवर्ट फोर्सेस इनटेक। उसके बाद हम लोग पेट वाले हिस्से में आते हैं, मैंने बोला था ना जहाँ हड्डी नहीं होगी उसे क्या किससे सूचित करेंगे, रॉड से। पेट वाले हिस्से को हम लोग यहाँ से डाइवर्ट फोर्सेस से चार भागों में बांटते हैं, कितना होगा बांटा हमने, चार भागों में इसे बांट दिया। ये कहाँ का हिस्सा हुआ, दाहिने साइड का हिस्सा हुआ, ये लेफ्ट साइड का हुआ, इधर ऊपर ऊपर में हिस्सा एक नीचे में हुआ ना, उसको चेक करने का तरीका ये हुआ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, ठीक ना। उसके बाद राइट अपर क्वाड्रेंट यानी दाहिने साइड का ऊपरी भाग, राइट अपर क्वाड्रेंट नो डॉट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट नो डॉट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट नो डॉट्स, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट नो डॉट्स। इससे क्या पता चलता है, अगर चोट लगा रहेगा तो पेट में गैस बनेगा, पेट भारी रहेगा, गैस होता है तो क्या होता है, पेट हाइट होता है ना, गैस नहीं तो इनका नॉर्मल है, ठीक ना। ये हो गया, अब हम लोग ऊपर वाले हिस्से में आएंगे, शोल्डर ज्वाइंट, ये जो होता है कंधा, शोल्डर ज्वाइंट नो डॉट्स, ह्यूमरस, ये जो हमारा भाग होता है शोल्डर से लेकर एल्बो ज्वाइंट के तक, इसे बोलते हैं ह्यूमरस, नो डॉट्स, एल्बो ज्वाइंट नो डॉट्स। रेडियस अल्ना, यहाँ पे दो हड्डी होती है, ठीक ना, यहाँ पे दो हड्डी होती है, उसे हम लोग दबाएंगे, नो डॉट्स। कार्पम्स कलाइन नो डॉट्स, मेटा कार्पम्स पंजा नो डॉट्स, जो हथेली वाला है ना ये वाला भाग, मेटा कार्पम्स। फिर फ्लैंजेस उंगलियां, उसके बाद चेक पियानस, चेक पियानस पल्स मोटर सेंसिएशन, इससे हम लोग अंगूठे को दबाएंगे और काउंट करेंगे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, फिर अंगूठे को छोड़ देंगे। हमने दबाया तो ये उजला था, हमने छोड़ा तो ये फिर रेड हो गया, इससे क्या पता चला, ये बॉडी में खून का संचारण हो रहा है, ठीक ना। ये हो गया, ये कार्रवाई हम लोग दोनों हाथ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कमर के हिस्से पे आए, कमर के हिस्से पे हम लोग कान लगाएंगे और कमर के दोनों साइड में पकड़ के इसे हिलाएंगे, ठीक है। पेल्विक रीजन नो क्रिप्टस साउंड, यानी कमर वाले भाग से कोई आवाज नहीं आ रही है, अगर टूटती रहेगी तो ये आवाज करती है, घर्षण की आवाज आती है, ठीक है। उसके लोग पीआरपी के ऊपर ऐसे हाथ करेंगे, प्राइवेट पार्ट के ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे, इससे क्या पता चलता है, इसका एक फॉर्मूला है, तरीका है जानने का, कि अगर पीआरपी जो आपका प्राइवेट पार्ट लिंक है वो अगर खड़ा रहेगा, ठीक ना, अगर प्राइवेट पार्ट अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तो कमर में चोट है, अगर प्राइवेट पार्ट अपनी जगह पे खड़ा नहीं है, नॉर्मल है, तो कमर में चोट नहीं है। ये पकड़ने का तरीका है कि कमर में चोट है कि नहीं है, समझ में आ रही है ना सबको। पीआरपीएस अब्सेंट, प्रेजेंट इसको नहीं बोलेंगे, पीआरपीएस अब्सेंट है यानी अपनी जगह पे वो सही है, कमर में चोट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम निचले हिस्से पे आएंगे, फेमर बोन जांघ की हड्डी, फेमर बोन नो डॉट्स, पटेला जो कटोरी साइड का होता है ना, पटेला यहाँ वाला, पटेला नो डॉट्स। यहाँ जैसे रेडियस अल्ना था दो हड्डी था, यहाँ भी होता है दो हड्डी, टिबिया एंड फिबुला, क्या होता है, टिबिया एंड फिबुला नो डॉट्स। टार्सल, ये जो है ना हड्डी टार्सल, टार्सल नो डॉट्स, मेटा टार्सल नो डॉट्स, फ्लैंजेस उंगलियां चेक पीएमएस, जैसे हम लोग उंगली पे दबा के चेक किए हैं, यहाँ भी 1001, 1002, 1003 करके 10 तक काउंट करेंगे फिर छोड़ देंगे। और इसका पल्स मोटर सेंसेशन, सेंसेशन मतलब पता करते हैं, गुदगुदा के पता करते हैं, हरकत हो रहा है ना पैर में, ये हम लोग दोनों पैर पे करवा, जैसे हम लोग इस हाथ पे किए हैं ये करवाई दोनों हाथ पे और दोनों पैर पे हो गए, ठीक है। अब विक्टिम को हम इसे जान पे लेंगे, अगर विक्टिम हल्का है तो, विक्टिम अगर भारी है तो इसे पूरा तरह प्रोन पोजिशन में कर देंगे,
और मैं बताया गया था ना बाढ़ नदी किनारे कौन पोजिशन है, इसलिए हल्के हाथों से हम अपने जंग पे ले सकते हैं। ले लिया हमने, उसके बाद हम लोग बैक रीजन में आएंगे। बैक रीजन में बहुत है इसको पुलाव, क्या बोलते हैं इसको पूरी में या फिर हिंदी में पखुड़ा बोलते हैं ना, बहुत इसको पुलाव नो डाउट हड्डी बड़ा रीढ़ की हड्डी, इसमें 17 तरह की हड्डियाँ होती है ठीक ना, हड्डी बड़ा नो डाउट ऑल बैक रीजन आर क्लियर। उसके बाद हम लोग पूरा बैक रीजन जो इनका पूरा पीछे का हिस्सा है वो दबा के हम लोग चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बोल देंगे ऑल बैक रीजन आर क्लियर, इसका बॉडी असेसमेंट उसके बाद हम लोग आते हैं स्टर्नम, ये जो रिब्स के ठीक नीचे जो लकीर बनता है ना उसे बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम उसके ठीक नीचे आता है जैकेट प्रोसेस, क्या आता है जैकेट प्रोसेस, दोनों साइड का बहुत है, और बैक रीजन आर क्लियर।